तनवी जा रही है पापा को छोड़ के घूमने। ऐसे इतना सारा नहीं करते बेटा। तनवी कहाँ जा रहे हो? नानी के पास। पापा को याद नहीं आएगी? आएगी। नानी का घर तो बहुत छात समंदर पार है। आपको लगता है हमें जाने से पहले वो लगने लगता है? तनवी चलो बेटा। लेकिन पति देव को वो नहीं होता। नहीं होता क्यों? क्यों जाने वो मैं नौटंकी क्या? इस बार पूरे 2 महीने के लिए जा रही हूँ। नानी कितने महीने के लिए जा रहे हैं? कल पापा ऑफिस चलेंगे तब चलेंगे कि पहले ही चल लेंगे? पहले चलेंगे। पहले जाएंगे क्योंकि पापा आएंगे लेने। बेटी तो ऑफिस से आप नानू आएंगे 4 बजे लेने। मम्मी फिर कहती है रानी को भेज दूंगी मैं, लोग हम वहाँ परेशान होंगे। रानी क्या है मतलब लड़की? हाँ मेरे को धनवी नानू आएंगे लेने दोपहर में, तो पापा से मिल लो अभी अभी मिल लो, फिर तो कल नानी के घर। नानी के घर तो लग रहा है एकदम सात समुद्र पार है। कल मम्मी पापा पापा को चोट लग रहा है ना? जल्दी से सोते हैं। ओके धनवी धनवी तो सो गई है पापा। नहीं धनवी नहीं सो गई है क्या? अभी गुदगुदी करके देखता हूँ धनवी सो गई है क्या। नहीं सो गई है क्या धनवी? देखो तो थोड़ा सा गुदगुदी करके देखता हूँ धनवी सो गई है। धनवी तो नहीं सो गई है। धनवी तो पापा सो गए। धनवी तो जाग गई है। धनवी देखो दादी क्या बोल रही है। क्या दादी? दादी घूमने जा रही है। दादी रुक जाओ मैं भी आ रही हूँ। दादी है ये कौन है? रेनी भूत। ये कौन है? भूत। ये तो भूत है। ये कौन है? भूत। इसको डर लगता है? कोई डर नहीं लगता भूत बात से। ए भूत कहाँ है रे भूत? धनवी आप पापा को छोड़ के घूमने जाओगे? ओह नींद आ गया। खट्टा है ये कौन आ गया? नंगू पंगू नहीं दिख रहा। कल तो धनवी जा रही है अपने नानू के घर। धनवी जा रही है। धनवी आपसे बहुत लड़ाई करती है ना? ये पहले बताओ यहाँ सो आप उधर सो जाओ। अच्छा बाबू आप चाची पास आ जाओ। धनवी यहाँ मैं भैया की मम्मा बन जाऊं? हाँ। भैया की मम्मा बन। अब मैं भैया का पापा। ठीक है भैया मैं आपका पापा। ओके अब मेरा मम्मा और पापा आपके मम्मा पापा। आप चेंज हो गया पापा मैं। देन भी आप जाओ अपने मम्मा पापा पास, हम तो अपने बाबू पास हैं। हाँ जाओ जाओ जल्दी जाओ धनवी। मैं पापा को मैं जाऊं मम्मा। हम तो बाबू हम तो धनवा के बाबू अपने बच्चे पास है। ये तो हमारा बेबी है। कहाँ बैठी है? आ जाओ आपके भी मम्मा पापा है। आप गुस्सा हो गए थे? क्यों गुस्सा हुए थे? हाँ भैया जी हम भैया से की करते हैं। हम इसलिए मैं बैठी थी।
धनवी अगर चले जाओगे नानी के घर तो भैया तो अकेले हो जाएगा। अब भैया तो आपको बहुत मिस करेगा। ऊपर से रात के बज रहे 12 और इन दोनों का। उसके बाद दोनों के नाटक के बाद दोनों सोने चले गए, मतलब धनवी सो गई, बाबू अपने रूम में चले गए मम्मी पापा के पास। और फिर यहाँ पे मैं सुबह उठ गई हूँ, सुबह के बज रहे हैं 7। अभी मैं सबसे पहले चाय रख रही हूँ, और चाय रखने के बाद जल्दी से सब्जी बनाई थी भिंडी की, और जो रोटी वगैरह है वो बनाया था लंच के लिए। और मैं ना थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ रोटी, कौन कौन ऐसा करता है एक साथ नहीं बनाता है। सबसे पहले मैंने एक गिलास पानी लिया और पिया। कल रात को मैंने 3-3:30 बजे तक मूवी देखी थी फ़ोन में नेटफ्लिक्स पे, तो इसीलिए सुबह और उठने में ना आलस आ रहा था, लेकिन रात को नींद ही नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मूवी देख लेती हूँ। फिर सुबह उठने में इतना ज़्यादा आलस आ रहा था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सब्जी एक तरफ छौंक दिया था, और उसके बाद मैं यहाँ पे आटा गूंध रही थी। एक्चुअली मेरे ना मतलब आटा वगैरह गूंदने में थोड़ा सा दिक्कत होता है मुझे आजकल, क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा वैसे ही पानी डाल डाल के एंड मतलब ऐसे ही लपेट लेती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मतलब आटा गूंधते टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन मतलब मेरे हाथ हाथ में थोड़ा इंजेक्शन लगने की वजह से पेन रहता है, तो इसीलिए मेरे से ज़्यादा आटा मतलब मैं गूंध नहीं पाती हूँ। बट फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी अपना। एंड अचानक से आप देखोगे इसी वीडियो में मम्मी कैसे अचानक से आधी नींद में उठते हुए आई हैं। उन्होंने मुझे देखा है मैं आटा गूंध रही, तुरंत उन्होंने मेरे हाथ से आटा जो है वो ले लिया है कि नहीं छोड़ दो मैं गूंधूंगी, हट जाओ। तो कभी कभी कुछ ऐसी प्यारी चीज़ें ना रिकॉर्ड हो जाती है कैमरे। बाय 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 बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो मेरी जो पैकिंग है वो डन हो चुकी है। इसमें जो मेरे कोलैब के कपड़े हैं मैंने वो रख लिए हैं, यहाँ नहीं कर पाई, वहाँ जाके एटलीस्ट करूँगी। और बाकी धनवी और मेरा सारी चीज़ें हो गई हैं, थोड़ा बहुत और रखना है वो सब रख लेती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ नहाने, पापा आएंगे लेने और 3-4 बजे तक आएंगे, 4-5 बजे तक निकलेंगे। कल प्लान हो गया था कि संडे को जाऊँगी, फिर वही कि संडे और ट्यूसडे को नहीं जाते आते हैं, ये वाला पंगा फंस गया। फिर पापा जी का ये था कि ऐसे तबीयत ख़राब करके नहीं जाना है, ये वो शुरू से उनका होता है कि जब बिल्कुल स्वस्थ रहो तब मायके जाओ, थोड़ा सा भी बीमार या तो नहीं जाने देते हैं। लेकिन अभी मम्मी ने बात किया है कि इसको थोड़ा जाना है, इसका मन थोड़ा सा वो हो रखा है, थोड़ा सा जाएगी तो वो हो जाएगी, तो पापा जी ने परमिशन दे दी है। बस मैं अपना आईब्रो सोच रही हूँ करवा लूँ, या सोच रही हूँ छोड़ देती हूँ, वहीं करा लूँगी। हाँ वहीं करा लूँगी, अभी कौन जा रहा है मार्केट, वहीं करा लूँगी कल जाके। एंड बस मायके चलते हैं। और गाइस एक ये ना स्पेशल गिफ्ट है पति देव की तरफ से, सरप्राइज़ था मेरे लिए। मैंने सोचा कि एक अपनी इमोशनल मतलब एक ऐसी चीज़ है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। ये पापा जी ना मतलब पूजा कर रहे हैं इस चीज़ की, उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने। ये क्या चीज़ है मैं आपके आपको वीडियो में बताऊंगी कि ये मेरे लिए बहुत कीमती बोल सकते हैं, बहुत स्पेशल है, क्योंकि बस
क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद मैंने पूजा किया। स्पेशल इसलिए है ना क्योंकि आप सभी को पता है मेरा हेल्थ इशू का आजकल रह रहा है। पिछले 3-4 महीने से थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम में रह रही हूँ। तो हमने किसी को ऐसे दिखाया था एस्ट्रोलॉजर को, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, उस टाइम पे बोला था कि आप इतने रत्ती का पन्ना पहनिए जिसके आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप आगे जाके आपको एनजाइटी एंड बहुत ही ज़्यादा मेडिकल आपका मतलब कंडीशन जो है वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा आगे चल के। तो वैसे तो इतना मैं इन सब चीज़ों में ट्रस्ट करती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा था कि ठीक है। फिर हमने उस टाइम पे उनसे प्राइस वगैरह पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि लॉकेट में आपको पहनना है, गोल्ड के लॉकेट में बनवा के। तो जो हमने प्राइस उस टाइम पूछा था कि कितने का कैसे क्या आएगा, तो हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे पर्सनली ओवर लगा था कि यार इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लेना है। तो मैंने उस टाइम ही इनको मना कर दिया था साफ कि नहीं मुझे नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल, देखेंगे बाद में कभी। और लेकिन इन्होंने क्या किया था उसी टाइम पे इस चीज़ के लिए उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि नहीं चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने बोला है और हेल्थ इशू का है तो मैं चाहता हूँ कि पहनो आप, तो इन्होंने उसी टाइम पे ऑर्डर दे दिया था मुझे बिना बताए। कल जब ये अचानक से इन्होंने मुझे दिखाया तब मैं इन पे बहुत गुस्सा भी किया मैंने, क्योंकि हमें ऐसे लगता है ना मतलब वही किसी और के लिए होता तो मैं भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन खुद के लिए हम लेडीज़ का इतना नहीं हो पाता है। और जो जिसके फैमिली में मतलब मैं प्राइस बताऊँगी तो फिर कुछ लोगों को लगने लगेगा कि देखो शो ऑफ कर रही है, ऐसा कर रही है, लेकिन ये 70+ है, 70+ है, 70-80+ है। ये सिर्फ जो पन्ना का जो ग्रीन आप पत्थर देख रहे हो सिर्फ वही, उसके बाद इसको हमने गोल्ड में कराया था। एंड ये जो चीज़ है ऐसे एक मन की शांति के लिए, मेरे हस्बैंड के मन की शांति के लिए मैंने पहन लिया कि उनके मन में था कि नहीं पहन लो, कि क्या पता चीज़ें आगे चल के थोड़ी सी वैसी हो तो पहन लो। मेरा मन था मैं इसको रिंग में पहनूंगी, लेकिन उन्होंने बोला था कि नहीं आपको लॉकेट में ही पहनना चाहिए बिकॉज आपको हेल्थ इशू ज़्यादा है तो लॉकेट में आप पहनिए। तो इसीलिए इस चीज़ के लिए मेरे को मतलब मैं इमोशनल एकदम अंदर से इमोशनल हो गई थी कि मतलब इनको मैंने साफ मना किया था लेकिन इनको ऐसा था कि नहीं यार बोल दिया है तो होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता ना कि हमें पता होता है कब क्या कैसा बजट है, तो इसीलिए और फिर मुझे अंदर से मैं इमोशनल हो गई कि क्या ही बताएं। आप लोग को डिज़ाइन कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। एंड क्या सच में ऐसा होता है पन्ना पहनने से हेल्थ इशू एनजाइटी ये सारी की प्रॉब्लम नहीं होती है, ये भी बताना आप लोग। हाँ पानी, इतने पानी से तो मम्मा कैसे दवाई खाएगी। हाँ धनवी, मेरी बेटी पानी लेके आई है, मम्मा ये लो दवाई खा लो। इतने इस छोटे से गिलास के एक घुट पानी है इसमें, इससे क्या दवाई मैं खाऊंगी। सो गाइस दवाई खा लेते हैं अपनी। और एक इमोशनल चीज़ है जो मैंने इससे रिलेटेड आप सभी के साथ मेरा मन था शेयर करने का। अभी मैं थोड़ा सा दवाई वाई खा के फ्री हो जाती हूँ, फिर थोड़ा सा बात करती हूँ। दादी को बाय कर दो, ये तो चिंची नहीं है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ चले? लेट हो रहा है क्या? हाँ लेट हो रहा है, जल्दी चलो। अरे मम्मा कपड़ा तो चेंज कर ले। अब मैं यही पकड़ी हूँ, जल्दी से चेंज कर दो। ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ। मम्मी धनवी जा रही है, कार से सूटकेस बह रही है बहुत। बाबू धनवी तो जा रही है, ये देखो डुगुर जाइबो नु जिनवा पन्नी छावा थार सब। अभी अभी मम्मा कपड़ा चेंज करेगी, पैकिंग करेगी तब। आपका भी तो कपड़ा चेंज करना है, ऐसे कौन जाता है नानी के घर? अच्छा सा कपड़ा पहन लो। सो गाइस मैं हो गई हूँ तैयार। हाँ सुबह से साड़ी निकाल के बैठी थी कि साड़ी पहनूंगी, लेकिन इतनी सफोकेशन वाली गर्मी हो रही है ना कि ऐसे दम सा घुट रहा है एकदम। मम्मी ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, सूट पहन के चले जाओ। हालांकि मेरे पापा और मेरे ससुर जी को नहीं पसंद है ऐसे, बट अब मैं क्या करूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है
परेशानी हो रही है। बाकी आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ लिपस्टिक लगा लिया है और ये सूट मम्मी ने दिया था जब पिछली बार घर गई थी तब, तो ये पहन लिया। और अभी पैकिंग वैकिंग सब हो गया है, पापा आ गए हैं, नीचे हैं और वैसे अब थोड़ी देर में निकलेंगे। एकदम सांस फूल रही है बात करने में। धनवी कहाँ गए थे? इधर नानी से मिलने। मिल के आ गए? एड्रेस तो दिखाओ। वाह कितनी सुंदर लग रही है। और चाची और धनवी चल जाएंगे तो क्या करोगे? मौजी तो मौज चाचियों के साथ है। देखो कहाँ है पानी लेके जा रहे हो? तो नानू के लिए पानी लेके जा रहे हो? नहीं मिल रहा है, छोड़ दो, लाइट वेट बंद कर दो, एसी भी बंद कर देना। पानी ले गई अपने नानू को देने। जाओ नानू से मिल के आ जाओ। आप क्यों ले जा रही हो सूट के? जब सुबह से वहीं रखा हुआ है तो वहीं रहने दो। सूट के सुटा सुबह से यहाँ रखा हुआ है। धनवीर कहाँ जा रही हो? सुबह से सूट के लेके तीन बार उतरी है कल से अब तक। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? नहीं यहाँ क्यों बैठेंगे नानी? नानी नहीं बैठेंगे। नमस्ते नहीं करते हो? नहीं मत देना मम्मी, बुखार है। आपके धनी के पास पूरा लागे।